हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज आपके इसी चैनल पर सिल्वर बटन आ गया है यूट्यूब की तरफ से। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब आपकी वजह से है, आपकी वजह से आया है। तो भाई, इस यूट्यूब चैनल को जो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत ही थैंक यू है। थैंक यू सो मच हमेशा सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कहा आप लोगों को शो किया जाए, दिखाया जाए जो आया है सिल्वर बटन यूट्यूब की तरफ से 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद। थैंक यू सुनंदनी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं देते तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। थैंक यू आप सभी को, जितनी बार भी कहे कम है, क्योंकि पढ़ाई करना भी एक चीज़ होती है और साथ ही सपोर्ट करना भी एक चीज़ होती है, और आप लोग हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हो, तो इसके लिए आप सभी को थैंक यू। यदु अतुल डेली लाइफ हैक, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और साथ ही गाइस, आज हम लोग जो कम्युनिकेशन का ये यूनिट जो चल रहा है, आज इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, कल से नया यूनिट होगा अपना, लेकिन आज इसको हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है, जो जो लेटेस्ट आपसे क्वेश्चन आ रहे कम्युनिकेशन कोड इससे जुड़ा, और मास मीडिया जो कम्युनिकेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नहीं बेटा, आप सभी की मेहनत है, थैंक यू आप सभी को, इसीलिए मैंने सबसे पहले ही लगा दिया कि तुम लोगों को मैं सबसे पहले थैंक यू बोल पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इसको किनारे कर देते हैं आप, क्योंकि अब इसके बाद आप लोग क्या दिलवाने वाले हो, इसके बाद अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक यूनिट 4। सबसे पहले एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आता है, जैसा कि कल भी आपको PYQ में देखने को मिला था, सौंदर्य संबंधी कोड, सेमेंटिक कोड और बाइनरी कोड, ये एक्चुअली होते क्या हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो हम लोग अभी जो नया पैटर्न है उसको पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन में। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन थ्रू कलर कैन रिजल्ट इन, रंगों के माध्यम से संचार का जो परिणाम है वो कैसा हो सकता है। कुछ मीठा हो जाए, बिल्कुल भाई बिल्कुल, 100%। चलो थैंक यू गीता। तो सौंदर्य संबंधी कोड, सांस्कृतिक कोड, सिमेंटिक और बाइनरी कोड, ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे AD, BC, BD और AB। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, सही आंसर ऑप्शन नंबर A और B था। रंगों से संबंधित अगर हम बात करें, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया, संचार का परिणाम कैसा हो सकता है, सौंदर्य संबंधी और सांस्कृतिक यानी एस्थेटिक और कल्चरल, ये दोनों इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं। तो अब हम लोग इसी कोड को जरा समझने की कोशिश करते हैं यहां पर स्क्रीन के थ्रू। ठीक है, स्क्रीन के थ्रू इसको समझेंगे। तो भाषा या कोड प्रतीकों की प्रणाली जो लोगों के समूह को संवाद करने, अर्थ साझा करने की अनुमति देती है। कोड क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब है संचार करना, और संचार का मतलब है कि आप किसी न किसी साइन से या किसी न किसी प्रतीक से या कोड से जब आप संवाद करने की या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। कोड एक भाषा भिन्नता में सामाजिक भाषाई शब्दावली का क्या है, एक संदर्भ जिसका अनूठा और अद्वितीय गहरा अर्थ है। एक संदेश पारंपरिक तरीकों या कोड के माध्यम से दिया जा सकता है। जैसे पहला है एस्थेटिक, एस्थेटिक का क्या मतलब हुआ, सौंदर्यात्मक, अर्थ का उत्पादन उद्देश्य नहीं बल्कि दिए गए संदेश का प्रारंभिक बिंदु है। सौंदर्य बोध कोड कैसे होते हैं, संकेतार्थक होते हैं। अब आप क्या बता सकते हैं कि सौंदर्यात्मक यानी कि, थैंक यू सोनम किरण, ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कि इन्होंने बोला एस्थेटिक या सौंदर्यात्मक संहिताएं जो कि कलर से आपकी मिलती जुलती हैं, जैसे कि आपकी ट्रैफिक लाइट, क्या वहां पे कलर होता है, ट्रैफिक लाइट में कितने कलर होते हैं,
वो भी तो हमारे कम्युनिकेशन का आधार है, उसके द्वारा भी हमें पता लगता है जो इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाते हैं। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि एस्थेटिक या सौंदर्यात्मक संहिताओं में अगर हम ट्रैफिक लाइट को काउंट करते हैं, तो ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट होती है? थैंक यू सुप्रिया, 3 लाइट होती हैं। ठीक है, हर एक लाइट का अलग अलग मतलब होता है। इन्होंने क्या कहा, कोड और प्रतीक का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए सर्दी में लोग सफेद रंग या गर्मियों को पीले रंग में दर्शाया जाता है, बसंत ऋतु को लाल रंग में। ठीक है, तो यानी जब आप कलर्स के द्वारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपको किस पे टिक करना है, सौंदर्यात्मक संहिताओं पे। सांस्कृतिक कोड, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जैविक कंडीशनिंग, सांस्कृतिक विकास से उत्पन्न होते हैं। हर संस्कृति में रंगों का गहरा अर्थ होता है। सांस्कृतिक कोड सामूहिक अवचेतन, मिथक, ज्ञान विज्ञान, ऐतिहासिक, नैतिक, मनोविज्ञान, साहित्य, कला, इन सब चरित्रों वाली आवाजें होते हैं। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, ये तो लिखा हुआ है, बट अगर हम सांस्कृतिक कोड की बात करें, तो आप जानते हैं कि अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो आप किस रंग को प्रिफर करते हैं? अगर हम मुसलमान हैं या मुस्लिम बिलोंग करते हैं, तो हम किस कलर को बिलोंग करते हैं या किस कलर को प्रेफरेंस देते हैं? तो सांस्कृतिक कोड या सौंदर्यात्मक, ये दोनों ही चीजें जब कलर से रिलेटेड कम्युनिकेशन करने की बात आती है, तो वहां आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो हिंदू हैं वो क्या करते हैं, वो भगवा कलर या ऑरेंज कलर को प्रेफर करते हैं, है ना। सेम ऐसे ही जो मुसलमान भाई हैं अपने, वो क्या करते हैं, हरे रंग को प्रेफर करते हैं। तो संस्कृति में भी जब हम रंगों की बात करने लगे, रंगों के थ्रू, भाई किसी के अगर मान लीजिए हनुमान जी का झंडा लगा है, ऑरेंज कलर का झंडा लहरा रहा है, तो सबको पता चल जाएगा कि भाई ये हिंदू का घर है। अगर वहां पे हरे रंग का कपड़ा लहरा रहा है, हरे रंग का झंडा लहरा रहा है, तो वहां पे क्या पता चल जाएगा कि ये मुसलमान का घर है। तो सांस्कृतिक कोड को भी बताता है क्या चीज, कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन के कोड है, ये इसी से है। यानी जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो वहां पर जो कोड है, एक हो गया सौंदर्यात्मक, यानी जहां पे मान लीजिए जैसे मैंने आपको ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल दिया, दूसरा सांस्कृतिक, हो सकता है लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी ऐसी हो कि जो समझ से परे हो, लेकिन हमने क्या करना है, उसको इजी वे में लेना है, जो चीजें हमें समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कहीं सफेद रंग शांति का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं कहीं अन्य संस्कृतियों में उसी को मृत्यु का रंग भी दिया जा सकता है। कल्चर में व्हाइट क्रिश्चियन, भाई क्रिश्चियन क्या करते हैं, शादी में व्हाइट कलर पहनते हैं, लेकिन हिंदू में क्या कहा जाता है, भाई व्हाइट कलर जब किसी की मृत्यु होती है तब पहनते हैं, तब उसको चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो कलर का इस संचार से कितना संबंध है, ये चीजें हैं। सेमेंटिक कोड यानी कि शाब्दिक कोड, सेमेंटिक का मतलब ये है शब्द, जहां पे अनेक अर्थ होते हैं। हम संवाद करने के लिए समान प्रतीकों का उपयोग करते हैं, यह स्थापित करता है कि शब्दों की शब्दकोश परिभाषा और अधिक व्यक्तिपरक या व्यक्तिगत अर्थ दोनों ही हैं, और वे समय और स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, कोई हो सकता है किसी शब्द को यूज करता हो, कोई हो सकता है किसी शब्द को यूज करता हो। सेमेंटिक यानी जहां शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ क्या होता है, ओम होता है, ओम नमः शिवाय होता है। ठीक है, ओम को हम लोग लेते हैं, वही अपने सिख भाई क्या करेंगे, ओमकार को लेते हैं। सेम चीज है, ओम ओमकार, दोनों ही चीजें सेम है, लेकिन शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो भी सेम है, लेकिन कहीं कहीं उनका जो स्थान है, जो समय है, उनको चेंज कर दिया जा रहा है। बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है, और डिजिटल कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है बाइनरी कोड, ये आपको पता है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
तो रंगों के माध्यम से जब बात आए संचार के परिणाम की, तो सौंदर्य जैसा कि आपको बताया, एस्थेटिक, सांस्कृतिक कोड क्या होता है ये भी आपको एक बार पढ़ लो चाहो तो। एस्थेटिक, कल्चरल, सेमेंटिक और बाइनरी कोड कौन कौन से होते हैं इसको पढ़ लीजिए। ये आपको, ये जो टॉपिक अभी आप देख रहे हैं ना, ये टॉपिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलने वाला है ये टॉपिक, और यहां से आपका एनटीए क्वेश्चन दे रहा है। क्या ये टॉपिक किसी ने कहीं और पढ़ा हुआ है? कम्युनिकेशन के कोड लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपसे ऑक्यूलिक्स, ऑल्फैक्टिक्स, क्रोनोमिक्स, प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, वोकैलिक्स या पैरालिंग्विस्टिक जिसे हम पराभाषा कहते हैं, फेशियल एक्सपीरियंस और अपीरेंस आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है? सत श्री अकाल बेटा। चलो ठीक है, तो कोड अभी हमने पढ़ा, अब जरा एक बार आप लोग इसके बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि नॉन वर्बल में मान लीजिए उन्होंने पूछा कि ऑल्फैक्टिक या ऑक्यूलिक्स, ये दोनों चीजें क्या होती हैं। नहीं पढ़ा ना वो वाला, पहले कोडिंग पहले नहीं पढ़ी होगी, अभी इसमें पढ़ने को मिलेगी। हमारा जो टॉपिक रहता है वो ऐसा टॉपिक होता है कि जो कहीं पर भी नहीं होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, पहली बात, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं ये आती है। कितने प्रकार का होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोनोमिक्स का क्या मतलब है, काइनेसिक्स का क्या मतलब है, मौखिक संचार आप पढ़ चुके हैं जब हम वर्बली कोई बात करते हैं, लेकिन जब हम बिना शब्दों के संदेश भेजने के जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या होता है? नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक संचार। इसमें दिखावट यानी अपीरेंस आता है, यानी आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, किस तरीके की आपकी हेयर स्टाइल है, चेहरे के भाव यानी एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। मान लीजिए किसी का चेहरा आपने देखा, वो स्माइल कर रहा है, तो आपको पता चल गया थैंक यू एसपी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने किसी का चेहरा देखा और आपने देखा कि वो खुश है, तो आप क्या समझ जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब है कि वो खुश है। कभी कभी किसी के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि उसको देख के आपको डर लगने लगता है, तो एक्सप्रेशन भी बता देते हैं। मान लीजिए, मान लो एसपी मिश्रा है, ठीक है, आप एसपी से बात करने जा रहे हैं, अगर उसका स्माइलिंग चेहरा होगा तो क्या होगा, काजल भी जाएगी, छोटी भी जाएगी, प्रीति भी जाएगी, सब जाएंगे उससे बात करेंगे। लेकिन अगर उसके चेहरे में गुस्सा दिखाई देगा, क्रोध दिखाई देगा, तो क्या कोई उससे बात करने जाएगा? नहीं जाएगा। तो कभी कभी आपके जो एक्सप्रेशन है वो भी बता देते हैं। बताने का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी संचार में कम्युनिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पहले ही पता लग जाती है। ठीक है, फिर आता है काइनेसिक्स। कौन बताएगा ये काइनेसिक्स? मैंने पहले भी बताया है क्या होता है काइनेसिक्स। बिल्कुल हो जाएगी दीक्षांत, जितने भी मैंने क्लासेस ली हैं एक बार प्लेलिस्ट से सारी की सारी वॉच कर लीजिए, सबकी पीडीएफ वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। काइनेसिक्स इशारों, मुद्राओं या शरीर की भाषा को कहते हैं। जैसे कि अगर आप, समझ आता है सोनम? चलो वेरी गुड। ठीक है, मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में जाते हैं, मानो सोनम एक इंटरव्यू में गई, तो क्या देखा जाता है वहां पे? ई सर्टिफिकेट। बेटा हो सकता है, देखो अभी आ जाना चाहिए था, बट अभी मैंने चेक किया तो दोपहर में आया नहीं था। ठीक है, तो मे बी 2 से 3 दिन में आ जाए। बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, भाई अगर सोनम गई इंटरव्यू देने, तो जो इंटरव्यूअर है सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज, यानी जब वो उस रूम में एंटर करेगी तो उसका पोस्चर, उसका जेस्चर कैसा होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि उसी से पता लगेगा आपका नेचर कैसा है, आप किस तरीके के, पॉजिटिव माइंड के हो या निगेटिव माइंड के हो। तो काइनेसिक्स आपका ये हो गया। वोकैलिक्स क्या चीज होती है?
वोकैलिक्स या पैरालिंग्विस्ट या पराभाषा। क्या होती है पराभाषा? भाई इसमें ये लिखा है कि वॉल्यूम रेट वोकल क्वालिटी वर्बल फिलर्स ये सारी चीजें होती हैं, या हम कहें कि पराभाषा। पराभाषा क्या होती है कि जो भाषा आप बोलते हैं उसके बीच में जब आप अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं या किस तरीके का आप बात करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, शब्दों की बात नहीं करी जा रही है, उसके साथ बात करने के साथ जो आप और शब्दों का यूज करते। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने खाना खाया, बात कर रहे हैं, बात करते समय डकार ले लिया, क्या करा, डकार ले लिया, डकार नहीं मतलब दकार नहीं डकार, ठीक है, वो ले लिया, वो किस में आएगा, पराभाषा में आएगा। आपने कहा ओह, किसी चीज को देखा आपको समझ में नहीं आया, आपने कहा ओह ओह माय गॉड, ओ लगा दिया, तो वो किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पैरालिंग्विस्टिक में, यानी कि आपका पराभाषा, यानी जो भाषा आप बोल रहे हैं उसके अलावा। जैसे कहते हैं ना बैकग्राउंड म्यूजिक छोटी मोटी होती रहती है, वो चीज है, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद क्रोनोमिक्स यानी समय का उपयोग, समय को देख के आपको पता चलता है कि आपको देर हो रही है या आप जल्दी में हैं। खांसना, मान लीजिए अचानक हल्का खांसने लग गए, है ना, तो आपने कभी कभी देखा होगा कोई किसी की अगर मान लो बिचिंग कर रहा है, चुगली कर रहा है, सडनली कोई आ जाए तो क्या खांसने लगेंगे, नाटक करने लगेंगे, मतलब जहां पे शब्दों का प्रयोग ना करते हुए भी कुछ ना कुछ हम लोग भाषा का यूज कर रहे हैं। क्रोनोमिक्स, जहां समय का उपयोग करते हैं, यानी हम देर हो रही है हमें जाने में या हम जल्दी पहुंच रहे हैं, कैसे पता लगता है, क्रोनोमिक्स के द्वारा। फिर आता है जैविक समय, हमारे खाने सोने जागने पर प्रभाव डालता है, सर्कडियन लय होता है ये। व्यक्तिगत समय यानी आपका मूड कैसा है, आपका रुचि का स्तर कैसा है। भौतिक समय इसके अंतर्गत आते हैं सांस्कृतिक समय, भौतिक समय दिन वर्षा ऋतु, सांस्कृतिक यानी आप किसी के साथ में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है अंतरिक्ष का उपयोग, हम अंतरिक्ष का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हमें किसी चीज का कौन सा रिपीट करना है यदु, कौन सा रिपीट करना बेटा, मान लीजिए जैसे पराभाषा, पराभाषा का मतलब है कि मान लीजिए जो भाषा हम बोल रहे हैं, मान लीजिए बोलते बोलते हमने क्या किया, योनिंग ले ली, एक अलग सी आवाज आई, ठीक है, या मान लीजिए हम बोलते बोलते मान लीजिए हमारे सामने कोई चीज हुई और हमने क्या किया, ओह ओह, इस तरीके के बीच बीच में कुछ हल्के फुल्के शब्द जोड़ दिए या निकल गए, तो उन्हें हम कहते हैं पराभाषा। बैकग्राउंड में कभी कभी होता है, ठीक है ना, हैप्टिक टच में आता है। तो प्रॉक्सिमिक्स अंतरिक्ष का उपयोग, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग इस समय भाई सारे के सारे साइंटिस्ट हैं इसमें लगे रहते हैं, तो जो हमारी जो है अंतरिक्ष का उपयोग वहीं पर उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर होता है कि किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं, तो साइंटिफिक तरीका हो गया वहां पे हैप्टिक स्पर्श का उपयोग। स्पर्श का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है और हम क्या कर रहे हैं उससे हैंडशेक कर रहे हैं, बिल्कुल इन्वायरमेंट भी कराना है बेटा, मेरे को खुद बहुत टेंशन है कि कंप्लीट कराना है, इसीलिए आज कम्युनिकेशन में कंप्लीट करा रही हूँ। हैप्टिक, मान लीजिए आपने किसी को हाथ मिलाया, किसी के कंधे पर थपथपाया या किसी को गले मिले, वो किस में आता है, स्पर्श के प्रयोग को हम हैप्टिक कहते हैं कम्युनिकेशन की भाषा में। ऑक्युलिक्स क्या चीज होती है, आई कांटेक्ट, ऑक्युलिक्स आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट कैसा है आपका। ऑल्फेटिक्स का क्या मतलब होता है, गंध का उपयोग, मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि मान लीजिए कोई खाना है और आपको उसको बताना है कि
अच्छा बना है कि नहीं बना है, आप उसकी गंध ले रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर कम्युनिकेशन का कौन सा आप जो है कोड का यूज करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा सोनम, क्या हो जाएगा वहां पे, वहां पे जहां पे भी गंध का या हम स्मेल कर रहे हैं किसी चीज को, खाने को सूंघ के बता रहे हैं बढ़िया है, हमने किस चीज का यूज किया, ऑल्फैक्टिक्स का यूज किया, स्मेल का यूज किया, ठीक है स्टूडेंट बॉय, समझ में आ रहा है, ये चीजें आपकी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मीन्स वर्डलेस मैसेज जिसमें शब्द ही नहीं है, जैसे अपीयरेंस आप कैसा दिखते हैं आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिक जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, वोकेलिक्स, स्टडी ऑफ पैरा लैंग्वेज, क्रोनोमिक्स में यूज ऑफ टाइम आता है, और ये क्रोनोमिक्स जिसको हम समय की बात करते हैं, समय का उपयोग, ये चार भागों में डिवाइड होता है, बायोलॉजिकल, पर्सनल, फिजिकल और कल्चरल टाइम। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स, यूज ऑफ स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस वी परसीव एज बिलोंग टू अस, हैप्टिक, यूज ऑफ टच, ऑक्यूलिक्स, आई कॉन्टेक्ट, ऑल्फैक्टिक्स, यूज ऑफ स्मेल, इट रिफर द स्टडी ऑफ ऑर्डर एंड हाउ इट अफेक्ट कम्युनिकेशन। कौन सी क्लासेस नहीं मिल रही, थ्योरी की सारी चीजें हैं बेटा, अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी प्रियंका, ठीक है बेटा, अभी मैं लास्ट में दिखा भी दूंगी। अब हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन के टाइप्स, कम्युनिकेशन के जो कोड है वो करा दिए, नाउ हम अब जो लास्ट टॉपिक है उस पे जा रहे हैं, जो आपका लास्ट टॉपिक है मास मीडिया, तो आप मुझे बताएंगे ये मास मीडिया होता क्या है, कौन बताना चाहेगा, कोई बात नहीं अदू, जल्दी से मुझे बताएं कि टच बिटवीन टू और मोर क्रिकेट प्लेयर, ठीक है मास मीडिया क्या चीज होती है, कौन बताएगा, अभी आप लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, जन संचार, वेरी गुड नेहा, और जन संचार का क्या मतलब है हमें यहाँ पर, थैंक यू टी कुमार, थैंक यू बेटा, आप सभी की इतने अच्छे विशेष की वजह से आज ये हो पाया है, आगे भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग सपोर्ट करते रहो, ठीक है, मीडिया एक वाहन या संचार का साधन, मीडिया इज अ व्हीकल और मीन ऑफ कम्युनिकेशन दैट डेसिमिनेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टू द टारगेट पब्लिक, स्रोत से लक्षित जनता तक सूचना प्रसारित करना, यानी एक बंदा है, एक बंदा क्या करेगा, अपनी सूचना एक टेक्निकल माध्यम से, याद रखिए एक टेक्निकल माध्यम होना जरूरी है, उसके माध्यम से बहुत लोगों तक जब अपनी बात को पहुंचाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं, बड़े दर्शकों के लिए अभिप्रेरित कोई भी मीडिया मास मीडिया कहलाता है, लार्ज ऑडियंस होती है, अननोन ऑडियंस होती है, कम उम्र में चित्रात्मक प्रस्तुतियों से लेकर समाचार पत्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन, टेलीविजन पर फैंसी वीडियो से लेकर इंटरनेट कंप्यूटर के संयोजन वाले हाईटेक मीडिया, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, जन संचार के माध्यम के रूप में आती है, यानी आपका क्या क्या होता है, अगर हम बात करें जरा एक बार मास मीडिया के एग्जाम्पल बताइएगा, छह टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, थैंक यू दीपशिखा, मास मीडिया के कोई एग्जाम्पल बता दो भाई, सबने बताना है, न्यूज़पेपर, वेरी गुड हीर, न्यूज़पेपर, ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्रांजिट, न्यू मीडिया, वेरी गुड, जैसे कि मीडिया के थ्रू अभी अभी पता चला कि 2000 के नोट बंद हो रहे, रेडियो टेलीविजन, ये किस में आता है, मीडिया में आता है, ठीक है, सूचना, मनोरंजन, विपणन, विज्ञापन, मीडिया, ये सारी चीजें आपकी मास मीडिया में आती है, ये क्यों जरूरी है भाई, कम्युनिकेशन में
मास मीडिया को एक ऐसी तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य ही बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचना है। जब हम दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं एक टेक्निकल माध्यम के रूप में, तो उसे हम कहते हैं मास मीडिया। इसके लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, पत्रिकाएं और बहुत कुछ चीजें शामिल हैं। इसके अंतर्गत भी मास मीडिया के विभिन्न रूपों में टीवी, रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, ये सारी चीजें आती हैं। आउटडोर मीडिया क्या होता है भाई? बिल्कुल जैसे मोदी जी के मन की बात। बिल्कुल सही। तो वो भी क्या है, वो क्या करते हैं, वो ऐसा थोड़ी ना है कि सतीश को मिलेंगे, सोनम को मिलेंगे या अल्पिका को मिलेंगे, नहीं, वो एक टेक्निकल माध्यम या रेडियो चुनेंगे या टेलीविजन को चुनेंगे जिसके थ्रू वो आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। आउटडोर मीडिया क्या होता है, आपने भाई सबको जानते हो, टीवी आपने देखा ही देखा, रेडियो आप जानते ही हो, इंटरनेट के बारे में भी आपको पता। प्रिंट मीडिया का एक एग्जांपल बताइए जरा। देखिए भाई, सिंपल सी बात समझिए, आप सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग में हैं, यानी आप एक ऐसी फील्ड में हैं जहां पर आप आगे चलकर बहुत सारे लोगों को गाइड करने वाले हैं। इसलिए आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जाए आपने उसको आंसर करना है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंट मीडिया का एक वेरी गुड सुनंदनी, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया का न्यूज़पेपर, आउटडोर मीडिया क्या होता है? न्यूज़पेपर हो गया प्रिंट मीडिया, यानी उनको उसको प्रिंट किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें होल्डिंग न्यूज़पेपर, बिल्कुल सही, मैगजीन हो गया भाई, मैगजीन भी प्रिंट होती है, वेरी गुड। और प्रिंट मीडिया में क्या क्या है, चीजें आती, जिस चीज को, जिस इंफॉर्मेशन को प्रिंट किया जाए, है ना। आउटडोर मीडिया, जैसे कि आप लोग जाते हैं मान लीजिए कहीं पर भी, एक्स वाई जेड, ठीक है, वहां पे आप बड़े बड़े बैनर देखते हैं लगे हुए, या आप देखते हैं पोस्टर लगा हुआ कि भाई जो है किसी चीज का, भले वो एड हो या कुछ भी हो, तो आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि नहीं देखते? बाहर जाते हैं, जब आप किसी बैनर या किसी पोस्टर को आप देखते हैं तो क्या करते हैं आप, वो क्या चीज होती है, आउटडोर मीडिया कहलाती है। बुलेटिन हो गया जैसे, है ना, वो क्या हो गया आपका, आउटडोर मीडिया कहलाता है। तो ये सारी चीजें आपकी मास मीडिया में आती है, जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। मास मीडिया जिसे हम जनसंचार कहते हैं, इसके सामान्य प्रकार पत्रकारिता, सामाजिक मीडिया, फिल्में, टेलीविजन, रेडियो, विज्ञापन देना, जनसंपर्क, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ऑटोग्राफी, ऑडियो मीडिया, इंटरैक्टिव मीडिया। ऑडियो मीडिया कौन कौन सी होती है, सामुदायिक रेडियो, या जिसे हम कह सकते हैं पॉडकास्ट। याद रखिए ये क्लास अगर आप पूरी देखोगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि क्या कंटेंट है इसमें। टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन, जल्दी से मुझे पढ़ के आंसर करिए। प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर, ट्रांजिट मीडिया या डिजिटल मीडिया में क्या क्या चीजें आती है, पढ़ते जाओ, आंसर करते जाओ। कुछ काम आपने करना है जिससे कि पता चले कि आप लोग भी एक्टिव मोड पे अपना जो गोल है उसको करना चाहते हो। प्रिंट मीडिया में क्या क्या लिखा है, डिजिटल मीडिया अगर आपसे पूछा जाए, या न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया का दूसरा नाम है न्यू मीडिया। कभी कभी ये लोग क्वेश्चन को उल्टा देते हैं, कह देते हैं कि न्यू मीडिया के बारे में बताइए, तो क्या होती है न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ई बुक, पॉडकास्ट, ऑनलाइन रेडियो, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। वेरी गुड भारती, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है भाई, बताते चलो जल्दी जल्दी।
प्रिंट मीडिया के अंतर्गत न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, नोवेल, कॉमिक्स, जनरल एंड पब्लिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसमें आपका फिल्म, टेलीविजन या रेडियो, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे रेडियो पे कहा जाता है कि आपका ब्रॉडकास्ट यहाँ से किया जा रहा है या वहां से किया जा रहा है। दूरदर्शन देखते थे, आपका ब्रॉडकास्ट वहां से किया जा रहा है, सुनते थे ना। आउटडोर में क्या आता है, जब आप बाहर जाते हैं, बिल बोर्ड देखते हैं, बोर्डिंग्स देखते हैं, पोस्टर या बैनर देखते हैं। सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ई बुक और पॉडकास्ट, ये आता है टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो चीज आपको बताई, मास मीडिया कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्नोलॉजी विच इज इंटेंडेड टू कम्युनिकेट और रीच अ मास ऑडियंस। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर हम बात करें जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, फोटोग्राफी, ऑडियो ऑडियो मीडिया, इंटरेक्टिव मीडिया। इंटरेक्टिव मीडिया के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंटरेक्टिव मीडिया क्या चीज है। तो मास मीडिया क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई? आज के टाइम में कोई मूवी देखनी हो, कोई सामान लेना हो, है ना, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? मास मीडिया के अंतर्गत आ जाती हैं। किसी भी चीज की जानकारी चाहिए हो, आपके पास ब्लॉग अवेलेबल रहता है, वेबसाइट अवेलेबल रहती है ना, तो मास मीडिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना, ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती है? मास मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्य क्या है इसका? बहुत जो जनता है उससे प्रभावित होती है, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो या प्रसारण के रूप में। और इसीलिए बहुत सारे ब्रांड क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं मास मीडिया के थ्रू अपने अपने जो प्रोडक्ट हैं उनका। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा चल रहा है। YouTube में ऐड आते हैं कि नहीं आते हैं? ब्लॉग, वेबसाइट पर जो ब्लॉग बनते हैं उस पर भी ऐड आते हैं। तो ये सब चीजें क्या है भाई, दूसरे कंपनी वाले अपना प्रचार भी करते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है कि आपकी बात बहुत सारे लोगों तक जब पहुंचाई जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, मास मीडिया का प्रयोग करते हैं। इसके लक्षण क्या है, सबसे बड़ी बात बहुत सारे लोगों का होना, टेक्नोलॉजी होना, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। विविध दर्शकों को आकर्षित करता है टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया वितरित किए गए समाचार या सूचना पर टिप्पणी नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया, किसने अभी तक कम्युनिकेशन में मीडिया को पढ़ा है, मास मीडिया को पढ़ा हुआ है इस तरीके से? मास मीडिया एक तरीके का रोजगार बिल्कुल कह सकते हैं, आज के टाइम में रोजगार भी है, लोगों को पैसा भी दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इसीलिए इसका रोल। क्योंकि अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म की भी बात करें, मान लीजिए आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, तो यूट्यूब भी बहुत सारे लोगों के लिए अर्निंग का सोर्स बन रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल भी बन। भाई पहले क्या होता था, सबको जाना है अगर कोचिंग लेने तो भाई ऑफलाइन कोचिंग लेने जाना होता था, बट आज के टाइम पे क्या है, यूट्यूब पर भी आप कर सकते हो, इजी नोट्स फॉर यू, है ना, तो यहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है उस चीज का। तो एक तरीके से क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा ये मौका रहता है लोगों तक कनेक्ट करने का थ्रू मास मीडिया, वायरलेस भी होता है ये। मास मीडिया को आवाज देना जनता पर रोशनी डालने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बेजुमानों की भी आवाज बन जाता है। स्वतंत्र रूप से लोग अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, वॉइसलेस, वॉइसलेस। अगर हम लोग क्लास ले रहे हैं, क्या हमारे सिवा कोई और बोल रहा है? नहीं बोल रहे, क्यों? वॉइसलेस, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम, मान लीजिए कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, हम किसी वेबसाइट से नोट्स देख रहे हैं या यूजीसी नेट से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हमें बोलने की जरूरत है? नहीं बोलने की जरूरत है। तो वो क्या हो गया, वॉइसलेस,
बेजुबानों की भी आवाज बन जाती है। यानी अगर मान लीजिए आप उस चीज के लिए एजुकेटेड हो या नहीं हो, तब भी ये आपको बेनिफिट देगा ही देगा। प्रभावी और व्यापक संचार, मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, हम अमेरिका में बात करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, हम चाहते हैं अमेरिका में हमारा कोई रिलेटिव है, हम उससे बात करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक गांव का बच्चा है, वो चाहता है कि पढ़ाई करना, तो क्या वो कर सकता है पढ़ाई? मान लीजिए एक गांव का बच्चा है और वो चाहता है पढ़ाई करना, उसके लिए मूक प्लेटफॉर्म बन गए भाई, पढ़ाई करने के लिए मूक प्लेटफॉर्म। यानी आज गांव गांव तक इसकी पहुंच बढ़ गई है। ठीक है, विविध संस्कृतियों का प्रसार, यानी बहुत सारे कल्चर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले पता ही नहीं होता था कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, बट आज के टाइम में सारी चीजें ओपन है ना? इसमें कुछ नुकसान भी है। कौन से नुकसान होते हैं? मास मीडिया के। अब आपका काम आ गया और आप बताएंगे मुझे कि मास मीडिया का जो लॉस है, वो लॉस कौन सा है? क्या खराबी है मास मीडिया के आने के बाद? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, वेरी गुड हुमा। नुकसान क्या है इसके? मास मीडिया के नुकसान है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो एक्चुअल न्यूज़ होती है हम तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिक जाती है। हमें फेक न्यूज़ दिखाई जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो हम मान लीजिए किसी के साथ कोई समझौता करते हैं, कोई डील करते हैं, कोई प्राइवेसी लगाते हैं, वो भी गोपनीय नहीं रह पाती। कोई भी आपके मान लीजिए आपने YouTube बनाया, YouTube बनाने के लिए आपने अपना फोन नंबर उसको दिया, भाई वो कहते हैं अपना मेल आईडी दीजिए, अपना नेम बताइए, ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है आप अपना मोबाइल नंबर भी बताइए। एक तरीके से आप अपनी जानकारी उनको दे रहे हैं। हेल्थ इश्यू होते हैं बहुत ज्यादा, जब आप इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं क्या होगा? हेल्थ इश्यू होंगे। सेंसर की गई सामग्री भी आपको मिलती रहेगी, मतलब कभी कभी ऐसी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी जो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड हैं। विषयों को ग्लैमराइज करना, विषयों को ग्लैमराइज करना, जैसे कि अभी आप जान रहे हो कि अभी एक मूवी आने वाली है आदि पुरुष। क्या आने वाली है? मूवी आने वाली है आदि पुरुष, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, उसका ट्रेलर भी आया, सबने देखा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? जो एक श्री राम जी, जो एक सीता जी का जो हम लोग को रूप याद है, जो चीज हम लोग मानते आए हैं हिंदू धर्म में, क्या वही रूप इसमें दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उसको ग्लैमर में कवर कर दिया। उसमें कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यानी विषयों को ना चाहते हुए भी ग्लैमर लगाया जा रहा है साथ में, जिससे कि चीजें इंटरेस्टिंग लगे। धोखाधड़ी होती है, हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है, होता है कि नहीं? हम बहुत मूवी देखते हैं, और सबसे ज्यादा मूवी पता है कौन सी देखते हैं? सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट मूवी है भाई साउथ की। साउथ की मूवी का कोई टक्कर नहीं है। जैसी क्लास खत्म होती है, मेरे पास अगर टाइम बचा तो पक्की बात है एक साउथ की मूवी तो निपटाऊंगी ही। तो इसलिए बॉलीवुड का इतना शौक नहीं है देखने का, क्योंकि कोई स्टोरी इतनी ज्यादा होती नहीं है, बट ये साउथ मूवी तो मतलब माइंड ब्लोइंग। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ मास मीडिया, डिसएडवांटेज ऑफ मास मीडिया, ये दोनों हैं आपके सामने। यहां तक जिसको समझ में आया एक बारी थम्स अप करिएगा। गुड इवनिंग हिंदी साहित्य एकेडमी बाय अरविंद सर, है ना? तो मेरे को देखो, हर एक चीज होना चाहिए। आपको जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिस आप सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके बारे में आसपास सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से सभी लोग साउथ की मूवी देखते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो ये बहुत एक मूवी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, विक्रमादित्यम मूवी। अगर कभी भी फ्री हो ना तो जरा एक बार विक्रमादित्यम मूवी को साउथ की हिंदी डब लगा के देख लेना। ट्रस्ट मी, तुम लोग मेरे को आके कहोगे मैम इतनी अच्छी मूवी हमें यकीन नहीं होता आपने दिखा दी। हमेशा अच्छी मूवी देखने को मिलती है वहां पे। और ये मूवी देखी किसी ने? हमेशा अगर कुछ देखना हो ना तो पॉजिटिव चीज देखो, जो मोटिवेशनल चीज है वो देखो। बहुत ही अच्छी मूवी है। चाइनीज देखते हो? बहुत ही बढ़िया, तब तो मैं पूछो ही नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इंटरनेट। आज ही देख लो ना, बहुत बढ़िया मूवी है, मजा ना आए तो कहना। मास मीडिया के कार्य वही हैं जैसा कि अभी आपको बताया, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। टाइप्स ऑफ मास मीडिया, जैसे कि हमने बात करी, प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं, ब्रॉडकास्ट में टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल में इंटरनेट, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी ली है। लेकिन उसके अलावा क्या चीज है? मास मीडिया 6 प्रकार का होता है। पारंपरिक मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमेशा जो एक स्टूडेंट होता है ना, जो एक कैंडिडेट होता है ना, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो घर की तरफ देखता है तो भी उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही दिखती है, क्योंकि सबने आशाएं लगा रखी होती हैं। बाहर निकलता है तो भी उसको प्रॉब्लम ही फेस करनी होती है। तो जब ये लगे ना कि प्रॉब्लम यार हद से ज्यादा हो गई है, तो मच बेटर है कि कुछ पॉजिटिव चीज कर लो। तो मेरे साथ भी यही होता है, जब मैं बहुत थक जाती हूँ, जब मेरे को लगता है यार अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मैं साउथ की मूवी देख ही लेती हूँ, देख ही लेती हूँ। जैसे विक्रमादित्यम, एक मूवी और आई थी उड़ान, वो भी बहुत अच्छी मूवी है, जरूर देखना। ठीक है, तो चलो मूवी से हटके थोड़ा काम पे आते हैं। मूवी इसलिए बात करनी जरूरी है क्योंकि अपन मीडिया की बात कर रहे हैं, और मीडिया में जब तक मूवी, न्यूज़, इन सब की बात ना हो तब तक तो बेकार ही है ना फिर। तो पारंपरिक मीडिया, मुद्रण मीडिया यानी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया या आउट ऑफ होम मीडिया। आउटडोर मीडिया का दूसरा नाम क्या है? आउटडोर मीडिया का दूसरा नाम, दो मूवी मैंने बताई है उनको देख लेना बस। आउट ऑफ होम मीडिया, ट्रांजिट मीडिया, डिजिटल मीडिया। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पारंपरिक मीडिया की। पारंपरिक मीडिया क्या चीज होती है? जो आपकी स्थानीय भाषा या संस्कृति के आधार पर जोर देती है, जिसमें क्या क्या चीजें आते हैं, मान लीजिए लोकगीत है, नृत्य है, लोक कथाएं, लोकगीत, पारंपरिक जो आपके नियर बाई चीजें होती हैं। ट्रेडिशनल मेथड है आपका, ट्रेडिशनल वे है मीडिया का आपका। ट्रेडिशनल क्या हो गया? रेडियो, एफएम, वेरी गुड टी कुमार। बच्चे पारंपरिक मीडिया, ट्रेडिशनल अगर हम बात करें, जो आपके रीति रिवाजों से जुड़ा होता है, जो प्रथाओं से विकसित होता है, पारंपरिक या ट्रेडिशनल मीडिया, सबसे पुराना प्रकार का मीडिया है ये। आज भी लोक नृत्य होते हैं, लोकगीत, रंगमंच, नाटक, पेंटिंग, मूर्तियां, शिलालेख, स्तूप, रूपांकन, प्रतीक, कठपुतलियां, स्ट्रिंग, कठपुतली, नौटंकी, कहानी, मेले और त्योहार। ये होता है कि नहीं? ट्रेडिशनल मीडिया में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल मीडिया में हमें क्या क्या लिखना है। किधर चला गया? अपन ज्यादा ही आगे निकल गए लग रहा है। चलो ट्रेडिशनल मीडिया से थोड़ा आगे बढ़ते, ग्रामीण रेडियो। ट्रेडिशनल मीडिया, पीपल
डेवलप डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर. ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मास मीडिया होती है ट्रेडिशनल मीडिया. नगाड़ा बजता है वो क्या चीज होती है, यही होता है फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया. नहीं अभी नहीं देखे केरला स्टोरी बेटा, जल्दी ही देखेंगे केरला स्टोरी, मुझे देखनी है. मैंने ट्राई मारी थी बट दिखी नहीं मुझे. ठीक है, फिर आती है प्रिंट मीडिया, जहां पे हम प्रिंटिंग का काम करते हैं. प्रिंट मीडिया सूचना और समाचारों के मुद्रित रूप के बारे में है. प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले मुद्रित सामग्री को हाथ से लिखा जाता था, लेकिन अब इतना पॉसिबल ही नहीं है. तो प्रिंट मीडिया मूल रूप से समाचार पत्रों को संदर्भित करता है, फिर पत्रिकाओं, टेबलॉइड्स, प्रचार ब्रोशर यानी कि ब्रोशर हो गए, पत्रिकाएं हो गई, पुस्तकें, उपन्यास, कॉमिक्स. बहुत आराम से देखो भैया हमारी क्लास, वही मैंने कहा ऐसी सोचो कि देखो जो एजुकेशन है ना, जो स्टडी है ना, उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब है कि धीरे धीरे आराम से उस चीज को अपने अंदर पी जाओ. जो कहते हैं ना रट्टा मारना, रट्टा एक भी लाइन भूल गए तो गए काम से, और रट्टाफिकेशन तो आता ही नहीं है. धीरे धीरे समझो प्रिंट मीडिया क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं. आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं यहां से. प्रिंट मीडिया के रूप समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्रोशर, पत्रक, पत्रिकाएं, किताबें, उपन्यास और कॉमिक्स. किसने किसने ये कॉमिक्सें पढ़ी हुई हैं जरा जल्दी से बताना. इतना बड़ा होता है कम्युनिकेशन पता नहीं था. ये किसने किसने पढ़ी है कॉमिक्स, ये किसका एग्जाम्पल है? देख सकती हूँ यहाँ पे न्यूज़पेपर भी दिख रहा है, यहाँ पे मैगजीन भी दिख रही है, यहाँ पे आपके कॉमिक्स भी दिख रहे हैं. किसी भी चीज को अगर आप दिमाग से हैक्टिक होकर पढ़ोगे कि यार ये तो मुझे आएगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो होगा क्या, वो चीज आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे. लेकिन जब आप देखोगे ना कोई चीज, अच्छा नागराज दिखा रही थी मैं, चाचा चौधरी की प्रिंट का ये कुछ दिखा रही थी, इसका मतलब वो प्रिंट मीडिया है. क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल याद हो जाएंगे आपको, आपको दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि प्रिंट मीडिया में ये चीजें आती हैं. और किसी को याद है और कौन सी कॉमिक्स आती थी? चाचा चौधरी सभी ने पढ़ी, बिल्लू, नागराज. आज के टाइम में तो पढ़ते ही नहीं है कोई, वो तो टाइम ही कुछ और था. तो इससे याद रखना, बिल्लू की तरीके दिमाग होना चाहिए सबका. कोई बात ही नहीं करना चाहता यार, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, सिलेबस कवर करा दो. लेकिन आया कि नहीं आया, हमने समझा या नहीं समझा, वो किसी ने देखा ही नहीं. अभी मैं सोनम बताती हूँ बेटा, ठीक है, टेंशन नहीं लो, मैं अभी दिखाऊंगी कहाँ पे है. प्रिंट मीडिया जो कि अभी आपको हिंदी में बताया था, वही सेम चीज है. न्यूज़पेपर यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको आपने पढ़ लेना है. उसके बाद में ये पूरी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगी. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण. प्रसारण का मतलब क्या होता है? हुसनास कुछ नहीं करना बेटा, जैसे आप सब्सक्राइब करते हो ना, सब्सक्राइब के साथ ही आपको एक ज्वाइन बटन दिखाई देगा, बस आपने उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है. वहां पे आपको ऑप्शन चूज करना है कि आपको कौन सी मेंबरशिप लेनी है, और बस आप डायरेक्टली पे कर सकते हो. मोटू पतलू क्या बात है, सब मोबाइल खा गया, हम लोगों का समय खा गया, घड़ियां खा गया, है ना, पूरा सब कुछ खा गया ये मोबाइल. बड़ी बुरी चीज है मोबाइल भाई. तो प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट का अर्थ है खेतों में बीजों को एक बड़े क्षेत्र में बिखेर कर बोना, यानी अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना. प्रसारण मीडिया एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए भी समाचार प्रसार को आसान बनाता है, क्योंकि श्रवण और दृश्य इंद्रियों दोनों के लिए यह अपील करता है, यानी सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है. टेलीविजन का आविष्कार कब किया गया था, कोई मुझे बताएगा? टेलीविजन का आविष्कार कब किया गया था? बुक के बीच में रख के पढ़ते थे, क्या बात है मृणालिनी यार, मेरी मैं भी ऐसे करती थी.
बड़ा मजा आता था भाई, सच में। मेरे को जब मैं आज ये कंटेंट बना रही थी, मुझे इतनी कॉमिक्स की याद आई, मैंने कहा यार काश वो मुझे मिल जाए, मैं दोबारा पढ़ लूं। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था, जल्दी से ईयर बताइए टेलीविजन का आविष्कार। कब हुआ था? 1959। सबसे पहले 1927। किसने किया था भैया इसका आविष्कार? एग्जाम में पूछ लिया गया तो भैया फिर मेरे को कहोगे कि मैम आपने बताया ही नहीं थी ये चीज, और मैम तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है क्योंकि पंगा ही यही है। ये देखो इधर, एक मिनट रुकना जरा। हु इन्वेंटेड टीवी फर्स्ट एंड व्हेन डिड टीवी इन्वेंटेड? ऐसे पढ़ाई करनी है भाई आप लोगों को, याद रखो इस तरीके से। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसे टीवी का आविष्कार सबसे पहले किसने और कब किया था, 1927 में सैन फ्रांसिस्को में सफलतापूर्वक सबसे पहला टेलीविजन हुआ था, आविष्कार सबसे पहला। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1950 अकबर बीरबल, वेरी गुड, 1927, और इंडिया में 1950। ये सारे क्वेश्चन एनटीए अब बुक लेकर नहीं बैठता है, उनको उसको बुक से मतलब नहीं है, इसे टेलीविजन क्यों कहा जाता है भाई, इसे टेलीविजन क्यों कहा जाता है? टेलीविजन शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक उपसर्ग से। एक है टेली, टेली मतलब टेली, और लैटिन शब्द दृष्टि या दूरी से देखना, दूर से देखने को कहा जाता है टेलीविजन। टेली का मतलब है दूर, विजन मतलब देखना, दूर से देखना। एग्जाम में यहीं से तो आता है ना क्वेश्चन आपका, कहीं से भी पूछ सकते हैं वो लोग। जब मास मीडिया के बारे में है तो अगर हम बात करें तो मास मीडिया का सबसे अच्छा सोर्स है आपका टेलीविजन। हु इज द फादर ऑफ इंडियन टेलीविजन? वॉट इज द फर्स्ट टीवी नेम इन इंडिया? दूरदर्शन। कितने लोग अभी इसके बारे में इस तरीके से भी पढ़ाई करेंगे भाई? हु इन्वेंटेड दूरदर्शन? अगर इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ही आप मान के चलिए कि आप चीजों को कवर कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन, बुकिश नॉलेज ओवर हो चुकी है अब। ठीक है, टेलीविजन ईयर याद रखिएगा। प्रसारण मीडिया कौन सी है ये भी आपको पता है। अच्छा एक चीज बताइए, वीडियो गेम किसके अंतर्गत आता है? अगर हम कहें कि एक वीडियो गेम है या टीवी शो है, इसको कौन सी मीडिया कहा जाएगा? ये कौन सी मीडिया के अंतर्गत आता है? कौन सा कार्टून कैरेक्टर है ये? ये वीडियो गेम का कौन सा कैरेक्टर है? मारियो। सुना है पहले मारियो? भैया बहुत खेला है मैंने। इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडिया नहीं, ये किसमें आता है? इंडिया के जो टीवी शो हैं, ब्रॉडकास्टिंग, वेरी गुड सुप्रिया। ये जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण मीडिया के अंतर्गत आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। याद रखिए, आपसे एग्जाम्पल के तौर पे मीडिया पूछी जा सकती है। मान लीजिए एक तरफ मैचिंग लिखी ब्रॉडकास्टिंग, एक तरफ लिखा प्रिंट मीडिया, एक तरफ लिखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना, और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल पूछ लिए गए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिए। प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंतर्गत आता है आपका ये सारी चीजें। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना, ये पूरा पीडीएफ दे दूंगी। फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में ही आता है क्योंकि टेलीविजन, रेडियो,
ट्रेडिशनल टेलीफोन, फिल्म, मूवी, वीडियो गेम, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब आती है बात आउटडोर मीडिया की, जिसे हम आउट ऑफ होम मीडिया भी कहते हैं। जैसे आपने देखा है इमारतों, सड़कों, बिजली सड़क के किनारे जो स्क्रीन बनी है या बैनर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? आउटडोर मीडिया के अंतर्गत। आउटडोर, जैसे कि कहा मैंने कि मैचिंग में पूछा जा सकता है, मैचिंग में मान लीजिए आपसे पूछा आउटडोर मीडिया का एग्जाम्पल बताइए, पता होगा तो ही तो बताएंगे। बुलेटिन, बिलबोर्ड, मोबाइल बिलबोर्ड, बैनर, लैंप पोस्ट बैनर, पोस्टर, संकेत और तख्तियां, ब्लिम्स, स्काई राइटिंग, ब्रोशर, विज्ञापन की तुलना वॉल स्केप। कोई नई मूवी आती है आउटडोर मीडिया के थ्रू ही आप तक पहुंचती है। एग्जाम्पल सबको याद रखने हैं इन सब के। बैनर, पोस्टर, ये सारे फॉर्म हैं किसके? आउटडोर मीडिया के। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ट्रांजिट मीडिया क्या चीज होती है? अभी आपने यहां तक पढ़ लिया कितनी सारी मीडिया के बारे में। अभी तक जरा एक बार हाथ उठाइए वो लोग, अभी तक जिन्होंने मीडिया, जो कम्युनिकेशन है, ये टॉपिक किसी ने पढ़ा था अभी तक? कम्युनिकेशन के इन टॉपिक्स के बारे में किसी ने पहले पढ़ा हुआ है? अगर नहीं पढ़ा है तो भाई जल्दी से फिर वीडियो को तो लाइक करना बनता ही है, क्योंकि मैम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। किसने किसने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक? ट्रांजिट मीडिया क्या होती है? एग्जाम में आ जाएगा और अपन का बैंड बज जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड, वेरी गुड। पढ़ा है किसी ने? सब पढ़ाते हैं कि हाँ कम्युनिकेशन ये है, कम्युनिकेशन ये है, लेकिन इस समय जो हॉट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन का, वो मीडिया ही है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं उन्हीं को ही ट्रांजिट मीडिया, विज्ञापन सूचना प्रसार की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। जब उपभोक्ता सार्वजनिक स्थानों या ट्रांजिट में चलते फिरते होते हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा ट्रांजिट मीडिया क्या होता है, आपने देखा एक ऑटो, ऑटो के पीछे एक विज्ञापन लगा है, मान लीजिए एक आरओ का विज्ञापन लगा है कि आप इस कंपनी से आरओ वाटर प्यूरिफायर खरीदिए, या आपने लिखा ऑटो के पीछे, या कभी कभी आपने बस में भी देखा होगा कि कोविड की वैक्सीन लगवा लीजिए। हम ही ने पढ़ाए और किसी ने नहीं पढ़ाए ना, देख लो कितनी मेहनत हो रही है। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दो, सबको बोल दो आ जाए भैया, फ्री में देख ले। यहाँ पे जिनको सपोर्ट करना है वो तो मेंबरशिप ले लें, कोई बात नहीं है। दम लगता है इन सब चीजों को करने में, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल याद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन में आपकी क्लास देखने के बाद किसी की पसंद नहीं आती, ओ माय गॉड, ये टॉपिक बच्चे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, क्योंकि एक्चुअली में जो इजी वे है ना उसको हर कोई करना चाहता है, बट मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लोग भी उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं, इस चीज पे हमें भी काम करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यदु कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे रही है। यही होता है ट्रांजिट मीडिया के रूप, किस किस रूप में होता है? ऑटो, बस, वेरी गुड प्रीति, और बताओ बेटा शिखा। बस में विज्ञापन, रेलवे में विज्ञापन, कभी कभी आपने देखा होगा रेलवे की जो सीट होती है, रेलवे की जो सीट होती है उसमें भी एडवर्टाइजमेंट होता है, मान लीजिए किसी बैंक का, कि यहाँ से लोन मिलता है, यहाँ पे इतने परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है। रेलवे में विज्ञापन, टैक्सी में विज्ञापन, ट्रांजिट आश्रय विज्ञापन, ठीक है? ये चीज समझ में आई यहां तक कि ट्रांजिट मीडिया क्या चीज होती है? विद द एम ऑफ ड्राइविंग होम अ मैसेज, घर जाते जाते आपको कुछ ना कुछ संदेश मिल जाए, ऑन द गो, चलते फिरते जब आपको कोई मैसेज दिया जाए, दैट इज ट्रांजिट मीडिया। न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया,
जल्दी से मुझे बताएंगे वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW या इंटरनेट किसका जो आविष्कार किया, किसने किया था? बस स्टैंड पर विज्ञापन होते हैं, बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, कभी कभी रजनीगंधा के भी विज्ञापन होते हैं, कभी अच्छी चीजों के भी विज्ञापन होते हैं, कभी बुरी चीजों के भी विज्ञापन होते हैं। यही है मास मीडिया का डिसएडवांटेज कि कभी कभी हम अच्छी चीजें भी करते हैं लेकिन साथ साथ कुछ गलत चीजें भी जो है प्रचार में आ जाती है, दीवारों पर भी मैसेज मिलता है। बिल्कुल, 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के बाद से इंटरनेट अपनी तेज प्रसार गति, उच्च डिजिटल टेक्निक के कारण सभी प्रकार के मास मीडिया पर भारी कब्जा कर लिया। किसने? इंटरनेट ने। इसमें दो तरफा संचार होता है, नेटवर्क के रूप में इंटरनेट को जाना जाता है। इसे मास मीडिया का अभिसरण भी कहा जाता है, कन्वर्जेंस ऑफ मास मीडिया भी कहा जाता है। किसे? इंटरनेट को। न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया, मीडिया का पुनर्संकल्पना है। ये एक कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के साथ आसानी से पहुंच के साथ तेजी से बढ़ता जनसंचार माध्यम है। कहानी लेखन, ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर मल्टीमीडिया से लेकर एनिमेशन तक सबसे ज्यादा। अब यही चीज है ना कि हम लोग अभी ये जो क्लास ले रहे हैं, अब इस क्लास में 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? और आप यकीन नहीं मानेंगे, कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई कहीं से है। तो हमारा कहाँ तक पहुंच बढ़ रही है, ये किसके थ्रू बढ़ रही है? डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो इसमें क्या आता है? वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अरे यार, एक चीज और थी, साइट्स। एक साइट्स, ये दो साइट्स हैं, इनका आपको जरा फुल फॉर्म बताना है, ठीक है? इन दोनों का फुल फॉर्म बताना। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग एक हो गई, ब्लॉगिंग एक हो गई, व्लॉगिंग। आपसे पूछा भी जा चुका है कि ये ब्लॉग और व्लॉग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये कहां से आया था? एचपी से है, हरियाणा से है। देखो कहां कहां तक डिजिटल मीडिया गया है अपना, और मैं कहां से हूं? मैं बेचारी एक छोटे से शहर कानपुर से हूं, ठीक है? और कानपुर की आवाज सोचिए आप तक पहुंच रही है तुरंत सेम टाइम पे। ई मंच, ई पुस्तकें, ई कॉमर्स, डिजिटल वीडियो, कंप्यूटर एनिमेशन डिजिटल मीडिया के रूप है। न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया, ठीक है? यहां तक समझ में आया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया साइट्स के नाम बता दो जरा एक बार, अभी पता लगेगा कौन 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 सी सोशल मीडिया यूज करता। सोशल मीडिया के नेम बताइए जल्दी जल्दी। यूपी अमेठी, वाह भाई वाह। लखनऊ, एमपी, बिलासपुर, बहुत बढ़िया। अब आप खुद देख लो कहाँ कहाँ से भाई सब जुड़े हैं एक साधन से। झारखंड, वेरी गुड। एचपी, महाराष्ट्र, वाओ सतीश, बहुत बढ़िया। राजस्थान, कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े हैं? चलो अभी बच्चा लोग, सब लोग, सब जल्दी से मुझे बताओ। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, वेरी गुड। अच्छा एक अगर मैं पूछूँ सबसे ज्यादा जो है वायरल, या हम कह सकते हैं पॉपुलर, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन सा है? सोनीपत, वेरी गुड, वेरी गुड। साइट का फुल फॉर्म, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड छोटी। इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब तुम लोग आजकल यही सब कर रहे हो मुझे लग रहा है ना। झांसी, झांसी से दो लोग, क्या बात है, झारखंड। तो इंस्टेंट जो आपका मैसेज है कौन सा होगा? व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप।
हिमाचल से भूपेंद्र, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हम कहें सबसे पॉपुलर है इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, आपका व्हाट्सएप हो गया, लेकिन अगर हम बात करें तो ये आपका, अगर बात करें फेसबुक हो गया, आपका सोशल मीडिया में ये इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीजें। अरे भाई तुम लोग क्वेश्चन यार बड़ा पुटअप करवाते हो मेरे से। व्हाट्सएप कब आया था, फेसबुक कब आया था, कहते हैं पंगे मत लिया करो, फेसबुक कब आया था जल्दी बोलो भाई, ट्विटर कब आया था, अभी 2-3 दिन पहले ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं कोई, उनका नाम क्या है, मुजफ्फरपुर बिहार, मंतसा, वेरी गुड बेटा, रायपुर, लखनऊ, आज सबने बता दिया, भोपाल, भाई वाह बहुत बढ़िया, पूरे इंडिया के लोग जुड़े हैं। चलो भाई, कलनौर से हिमाचल, भाई हिमाचल वाले बुलाते नहीं है, ये नहीं कि गर्मी हो रखी है उत्तर प्रदेश में, बुला ही ले, है ना, चलो कोई बात नहीं, जल्दी बताओ भाई, व्हाट्सएप का जो ईयर है, फेसबुक का जो ईयर है एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ट्विटर के जो सीईओ बनाए गए हैं और जो उनका ईयर है, फेसबुक मंतसा बता रही है 2004, आशु बता रही है 2008, हिना बताओ बेटा, एलन मस्क सीईओ, अभी रिसेंटली फिर से सीईओ, आई थिंक मेरे ख्याल से चेंज किए गए हैं, ट्विटर के न्यू सीईओ जो बनाए गए हैं उनका नाम मैंने पूछा है, लिंडा नाम है शायद उनका, लिंडा, जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो है लिंडा नाम कुछ करके है, एलन मस्क ट्विटर के सीईओ, अभी एक और कोई आ गए हैं, बनारस अर्चना, लखनऊ संगीता, वेरी गुड, झारखंड पंकज, बहुत बढ़िया, यूपी गोंडा मथुरा, भाई सब लोग बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ट्विटर के नए सीईओ लिंडा को बनाया गया है, ये एलन मस्क ने कहा है, अच्छा मौसम होता बुलाते ही नहीं हो तुम लोग यार, क्या करूं। चलो व्हाट्सएप कब आया था, व्हाट्सएप देखिए, याद रखिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे इसका नोट चाहिए आप सभी से, सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है आपने याद करना है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन, मास मीडिया कितने प्रकार की होती है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल, ब्रॉडकास्ट, न्यू मीडिया, इसमें इसके जो एग्जाम्पल है वो आपने याद करने हैं, रिवीजन कर लो जरा, मीडिया कितने प्रकार की होती है, व्हाट्सएप 2009, चलो जल्दी जल्दी बताते चलिए, प्रिंट मीडिया, प्रसारण मीडिया, आउटडोर और इंटरनेट, चार प्रकार की होती है मीडिया, ट्विटर 2006, वेरी गुड नीतू, ठीक है पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ क्योंकि ये दोबारा नहीं दिखाऊंगी मैं, मीस मास मीडिया के तीन प्रमुख प्रकार, प्रिंट मीडिया, न्यूज मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया। मास मीडिया क्या है, सबका ध्यान स्क्रीन पे, व्हाट इज मास मीडिया, मीडिया टेक्नोलॉजी दैट आर डिजाइन टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज ऑडियंस आर नोन एज अ मास मीडिया। भारत का पहला टीवी चैनल कौन सा है, मास मीडिया अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में थोड़ी देर में आया और पहला टीवी चैनल दूरदर्शन था, 1991 में लॉन्च किया गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट टीवी चैनल, दूरदर्शन, लॉन्च्ड इन 1991। मास मीडिया को किस नाम से जाना जाता है, जब व्यक्ति किस नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर मास कम्युनिकेशन भी इसे कहते हैं, मास मीडिया का दूसरा नाम है मास कम्युनिकेशन। क्या हम कह सकते हैं कि पारंपरिक मीडिया ट्रांजिट मीडिया से बेहतर होती है, नहीं, मास मीडिया की जड़ कौन सी है, मास मीडिया का रूट है प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद क्या यहां पे हम खत्म हो गया काम अपना, आप ये बता सकते हैं ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं,
आप बता सकते हैं कि ये दोनों जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये किसके हैं? आपका जो नया पैटर्न है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ये है आपकी हॉट मीडिया, ये है आपकी कूल मीडिया, और ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? मैकलुहान के द्वारा दी गई थी ये वाली थ्योरी, हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। हॉट मीडिया में क्या होता है, जैसे कि टेलीफोन, इसमें हाई रेजोल्यूशन रहता है लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता है। ट्विटर में मान लीजिए किसी ने पोस्ट लिखी तो लिमिटेड ही लोग उसमें जा करके अपना कुछ कर पाएंगे, बट यूट्यूब में बहुत सारी जानकारी आप ले सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारी नॉलेज मिलती है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जो ज्यादा हम कह सकते हैं जहां पे पार्टिसिपेशन ज्यादा है, यहाँ पे लो आपका क्या रहता है, रिजोल्यूशन रहता है। लो रिजोल्यूशन किसके अंतर्गत? कूल मीडिया के अंतर्गत। हॉट मीडिया में क्या चीज होती है? हॉट मीडिया के अंतर्गत हाई रिजोल्यूशन होता है। मैकलन ने दिया था ये सिद्धांत, हाई रिजोल्यूशन होता है, लो पार्टिसिपेंट होते हैं या पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है। ठीक है, मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे कि जहां पे जो चीजें ज्यादा इस समय चल रही हैं उनको आप कूल मीडिया में डाल सकते हो, जैसे कि यूट्यूब। यूट्यूब में आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, ना लो रिजोल्यूशन पर भी काम कर सकते हो। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है किसके अंतर्गत? यूट्यूब। तो ये हम इसको क्या कहेंगे, यूट्यूब को हॉट मीडिया या कूल मीडिया? जल्दी से बताइए, जिसका ज्यादा हम यूज कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा? कूल मीडिया में। ठीक है, जब हम जैसे कि आप ट्विटर की बात करें, ट्विटर पे जाते हैं हम, ट्विट करते हैं नहीं करते हैं, जाते हैं विजिट करके वापस आ जाते हैं, लेकिन वहां पे हमें कोई खास ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है, जहां पे हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं, वो किस में आता है? आपका हॉट मीडिया में। पहले इंस्टाग्राम क्या था? एक तरीके का हॉट मीडिया था, लेकिन आज के टाइम में यहां पर भी क्या हो गया है, आज के टाइम इसे कूल मीडिया में माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ गया। फेसबुक क्या होता है? फेसबुक किस में आएगा भाई? ज्यादा यूज करते, सबसे ज्यादा लोग जिसके साथ जुड़े होंगे, सबसे ज्यादा लोग जहां जुड़े हैं, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जहां पे मिलेगी, उसे हम कहेंगे कूल मीडिया। ये वी आर कूल, कूल मीडिया समझ जाओ इस बात से, भूलोगे तो नहीं अभी। कूल मीडिया, हॉट मीडिया, हाई रिजोल्यूशन की वजह से ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता यहाँ पे, किसमें? हॉट मीडिया में। और कूल मीडिया में लो होता है, लो रिजोल्यूशन होता है। फीडबैक दोनों में मिलता, फीडबैक किस में मिलता है? फीडबैक अगर हम बात करें कूल मीडिया में मिलता है, इसमें भी मिलता है लेकिन कभी कभी, रेयर केस में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज हॉट मीडिया, कूल मीडिया? हॉट हाई डेफिनेशन, कोल्ड में लो डेफिनेशन। लो पार्टिसिपेशन यानी कम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हाई पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फेसबुक। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हॉट मीडिया आर लो इन ऑडियंस, जहां पे ऑडियंस कम होती है, ट्विटर पे इतनी ऑडियंस नहीं मिलेगी जितनी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। पार्टिसिपेशन ड्यू टू हाई रिजोल्यूशन इसकी होती है, इसमें क्या होता है, लो रिजोल्यूशन या लो डेफिनेशन। हाई और हाई इन ऑडियंस यानी ऑडियंस ज्यादा होती है। जहां पे फिल इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन नहीं है वो भी हमको मिल जाएगी। ठीक
यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? इफ प्रिंट इज हॉट एंड लीनियर एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट मीडिया आर कूल एंड इंटरेक्टिव, हाइपर मीडिया ऑन द वेब इज फ्रीजिंग एंड 3D. कूल मीडिया, हॉट मीडिया, समझ में आ गया? ये है मार्शल मैकुलन, जिनके द्वारा हॉट मीडिया कूल मीडिया को जो है थ्योरी को बनाया गया था. थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में. किसके लिए जाने जाते हैं? कम्युनिकेशन साइकोलॉजिस्ट थे ये. कम्युनिकेशन मनोवैज्ञानिक. कूल मीडिया जिसका ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, लो रेजोल्यूशन रहता है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, अगर मान लो हम ब्लॉग बनाते हैं या किसी वेबसाइट को देखते हैं, अभी पता चलेगा कितना आता है. अभी रुको, तुम लोग ब्लॉग या वेबसाइट को किसमें डालेंगे? हॉट मीडिया या कूल मीडिया? ब्लॉग इज कंसिडर्ड एज अ हॉट मीडिया और कूल मीडिया. यदु आंसर करो बेटा, जल्दी जल्दी. शिवम ने बोला है कूल मीडिया, बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि ब्लॉग में जाकर के हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पार्टिसिपेंट की वहां पे कोई जरूरत होती, कोई वहां पे हमारा कोई ऐसा रोल नहीं होता है. वहां जब मन किया गए, अपना देखा, ब्लॉग पसंद आया, लाइक किया, नहीं लाइक किया, तो ऐसा कोई वहां नहीं होता. तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे हॉट मीडिया. इसे हम कहेंगे हॉट मीडिया. इसे हम क्या कहेंगे? हॉट मीडिया. जहां पे हमारा पार्टिसिपेंट जो है, अगर हम कहें प्रतिभागिता हमारी कम होती है. डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग और व्लॉग क्या होता है भाई? एक मिनट रुकना जरा. चलिए सारे क्वेश्चन के आंसर. डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग और व्लॉग. ब्लॉग एक वेबसाइट के समान है, जहां कोई भी किसी भी विषय से संबंधित सामग्री को टेक्स्ट के रूप में लिख सकता है. व्लॉग में क्या होता है? किसी भी विषय पर वीडियो बना सकते हैं. ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जो सशुल्क और निशुल्क दोनों तरीकों का समर्थन करते हैं. ब्लॉग क्या होता है? जब हम मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वहां पे कंटेंट जब हमें लिखा हुआ मिलता है, तो इसका मतलब है दैट इज अ ब्लॉग. लिखा, लिखित रूप में लिखित टेक्स्ट. व्लॉग क्या होता है? जहां पर हम वीडियो कंटेंट डालते हैं, उसमें रिटन कंटेंट डालते हैं, इसमें वीडियो कंटेंट डालते हैं. कौन सा बेहतर है, ब्लॉग या व्लॉग? ये सारी की सारी बातें आपको, यूट्यूब एक ब्लॉग है या व्लॉग है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां से पढ़ सकते हो कि ब्लॉग शब्द कहां से आया, ब्लॉग व्लॉग क्या है. समझ में आ गई कि नहीं आई? इतने सारे लोग हैं, जल्दी से भाई वीडियो को एक लाइक तो करना बनता ही है. चलिए सीधे चलते हैं यहां पे, जहां पे हम थे, क्योंकि इसे भी कंप्लीट करना जरूरी है. ये जो मार्श मैकुलन है, ये कनाडा के हैं. इन्हें हम कम्युनिकेशन का साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं. इन्होंने चार तरीके के बुनियादी मीडिया प्रभाव को बताया था. एक था वृद्धि यानी एनहेंसमेंट, ऑब्सोलेंस यानी अप्रचलन, पुनर्प्राप्ति रिट्रीवल, और फ्लिप और रिवर्सल, यानी कि ये चार कानूनों के द्वारा मीडिया के प्रभावों को वर्णित किया था. हाउ डस मैकुलन डिफाइन मीडिया? मैकुलन ने मीडिया को कैसे परिभाषित किया? वन लाइनर के तरीके ये क्वेश्चन आपके सामने, जिसको पढ़ने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा. किसने हॉट एंड कूल मीडिया को दो कैटेगरी में भागा, दो कैटेगरी में बांटा? मार्शल मैकुलन ने. इनके द्वारा जो चार लॉ बनाए गए थे, कौन कौन से थे?
अभी जरा वो लोग बता दो जरा एक बारी, जिन्होंने जिनको इस टॉपिक को पढ़ के ये लग रहा है कि यार अभी हमने कम्युनिकेशन क्या पढ़ रहे थे, और इसको पढ़ने के बाद कितने लोगों को लगता है कि उनकी नॉलेज बढ़ गई। कितने लोगों की नॉलेज बढ़ गई और कितने लोगों को लगता है वेस्ट ऑफ द टाइम हो गया ये। चार लॉ जो बनाए गए वो कौन से थे? अच्छा, सबको लग रहा है बढ़िया, चलो वेरी गुड। प्रोबिंग, एनहेंस प्रोबिंग, ऑब्सोलेंस, कंटेंट एनालिसिस, रिट्रीव, इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? फोर लॉ ऑफ मीडिया। अलग ही लेवल है ना, ये वही लेवल है जो एनटीए का लेवल है। वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज के फादर कौन है? मार्शल मैकुलन। हटके पढ़ेंगे तभी तो कुछ अलग करेंगे भाई, अपने अंदर एक्स फैक्टर होगा ही नहीं तो करेंगे क्या। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स फैक्टर। सब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं? हॉट एंड कूल मीडिया इंगेज वन सेंस कंप्लीटली, हॉट मीडिया के अंतर्गत आता है, इसको पढ़ लेना। ये दोनों ही चीजें यहां पर मैंने लिखी हुई है। हॉट मीडिया क्या है, कूल मीडिया क्या है? जहां पे ज्यादा दर्शक बातचीत करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन पढ़ लिया है भाई, आंसर तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, आंसर करिए। थैंक यू प्रीति, मतलब अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कभी वेस्ट नहीं जाता है। थैंक यू भारती, साइको बढ़ गई मैम, चलो बहुत बढ़िया। नॉलेज ही बढ़ानी अपने ने, है ना। चलो भाई स्टेटमेंट मान लीजिए, अभी हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा मीडिया मास कम्युनिकेशन। द मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लक्स विद मैनी अदर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। सच अ स्टेट मेक देयर ऑपरेशन एंड इफेक्ट रिच एज वेल एज एल्यूसिव। जनसंचार का जो माध्यम का क्या है? जनसंचार का मीडिया मानव अनुभव के कई अन्य तत्वों के साथ निरंतर प्रवाह की स्थिति में, ऐसी स्थिति उनके संचालन और प्रभावों को समृद्ध और मायावी बनाती है। आई नो कि ये क्वेश्चन बाउंस मार गया होगा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को, तो पढ़ लेना, ये दोनों ही सही है। बाउंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इतना पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कंटेंट का जो एक्सप्लेनेशन है डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर टू, कोई बात नहीं सुमन, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर टू, इंटरनेट स्वयं एक नेटवर्क है और साइबर स्पेस संबंधों के लिए एक मॉडल भी है। इंटरनेट के द्वारा सहायता प्राप्त वैश्विक संवादात्मक प्रौद्योगिकियों ने 20वीं शताब्दी के अंत तक अद्वितीय मीडिया युग के आगमन की शुरुआत की। YT पर सब 30%, आप 100%, तभी 1 घंटा हो गया लगे लगे, क्या बताऊं मैं, 1 घंटे से ज्यादा हो गई आज की क्लास। कम्युनिकेशन आज आप लोगों का फिनिश हो रहा है। कम्युनिकेशन आपका फिनिश होने जा रहा है आज, कल मैं देखती हूँ जो बाकी होंगे यूनिट्स उनको भी कंप्लीट कराना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन नंबर वन दोनों ही सही है। क्यों सही है? पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा, पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा, क्योंकि बिना पढ़े तो कोई चीज नहीं आती है। जो आपने समझा बस वही पढ़ना है। अच्छा चलो, मैकलन के बारे में लिखो कि इनमें से कौन सी हॉट मीडिया है। क्वेश्चन नंबर थ्री जल्दी से बताना। बस एक क्वेश्चन ये बता दो कि मैकुलेन के अनुसार इनमें से कौन सी हॉट मीडिया है। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू बेटा।
आप ही लोगों की वजह से तो ये सिल्वर बटन आया है। और अब जल्दी ही पंकज बेटा, ये क्लास जो शुरू होती है, ये क्लास स्टार्ट होती है 9 बजे से, ठीक है? बट कभी कभी अगर मान लीजिए नेटवर्क इशू होता है तो टेंशन मत लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जैसे ही क्लास आएगी आप लोगों को उससे रिलेटेड अपडेट दी जाएगी। तो टेलीग्राम सब लोग जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर डेली बेसिस पे क्विज होते हैं टेलीग्राम पे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, 3, 4, 5। ओ भाई, गलत कर दिया क्या? ऑप्शन नंबर 3, 3, 4, 5। हॉट मीडियम माना जाता है इनको, किनको किनको? रेडियो, सिनेमा, प्रिंट को हॉट मीडियम माना जाता है। थैंक यू सतेंद्री, ठीक है? तो पढ़ लेना एक बार, हॉट मीडिया, कूल मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन? ओ माई गॉड। अच्छा सुनो भाई, देखो मेरी बैंड बज गई, 1 घंटा हो गया बोल बोल के गई हूँ मैं, थक। अब इसको पढ़ने का काम आपका है। अब जल्दी से वो लोग हाथ उठाओ जो इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल मीडिया, डायमंड भी मिल जाएगा, अरे भैया गोल्ड भी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग ब्लेसिंग करते रहो और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को ऐड करो यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज टेलीग्राम पे, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये कहीं भी नहीं मिलने वाली, ठीक है? और डिजिटल मीडिया के बारे में पढ़ लेना, क्या होता है, इसकी विशेषताएं, कौन कौन पढ़ेगा। थैंक यू शिखा, पार्टी तो बनती है भाई, बिल्कुल बनती है, जल्दी होएगी, ठीक है? चलो भाई पढ़ लोगे, मैं बंद करूं फिर? यहां पर एक चीज ध्यान रखना, पीआईबी यानी प्रेस सूचना ब्यूरो, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनके बारे में भी डिटेल दी गई है, एआईआर ऑल इंडिया रेडियो। तो फाइनली आज अपना कम्युनिकेशन, पीसीआई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी है डिटेल। तो अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर कम्युनिकेशन के ये जो मैंने आपको पढ़ाई है थ्योरी क्लासेस, इसको कर लोगे तो कम्युनिकेशन कवर हो जाएगा। तो अब क्या बचा है, अब बचा है जाने का टाइम, और कल फिर जो यूनिट बची है अपनी उस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि डीआई पे प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। 1.5 घंटा हो गया प्रीति, वही बेटा, और इतना टाइम लग गया। तो भाई सब लोग शेयर जरूर कर देना बिना कहे, और जो भी चाहते हैं कि नहीं भाई मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 89 रुपीज से मेंबरशिप आप जरूर ले लो, जिससे कि थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाए। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेंबरशिप आप लोग ले लीजिए, क्योंकि आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। और 90 रुपये 1 मंथ कुछ भी नहीं होते हैं, सपोर्ट अगर करना चाहे दिल से तो जरूर करिए, ठीक है? चलो थैंक यू वेरी मच उमेश। सोशियोलॉजी में एक्चुअली थोड़ा सा मैं देख रही थी, गॉसिप ज्यादा हो रहा था जिसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। हाँ 1 मिनट रुकिए, जरा सा मैं वो भी बता दूं आप लोगों को कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। 1 मिनट गाइस, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, पहली बात तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी लिंक है, लेकिन आपको लगता है नहीं हमें पहले ही जाके देखना है, तो इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी जो आपका अपना चैनल है इस पे आप चले जाइए। डॉट इन ब्लू रंग का लोगो बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप जाएंगे, मोबाइल से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूजीसी नेट जून 2023 की क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। ये जो ऊपर ये जो बने हैं ना मेन्यू बने हुए हैं, इसी में सबसे ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे आएंगे, ये देखिए इधर, ये जितनी भी अभी तक की मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस ली हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ठीक है, इसकी क्लासेस ये आपको मिल जाएंगी। सिर्फ इस पे टिक करना है और ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है? और ऐसे ही आपको पीवाईक्यू, यूजीसी नेट, क्वेश्चन पेपर फरवरी मार्च, इस पे टिक करिए, ठीक है? ये मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसकी पीडीएफ ये सारी की सारी है। उसके अलावा कल मैंने यहाँ पे NEP 2020 से रिलेटेड क्विज भी डाला था, ये देखिए। तो यहाँ पर भी जो पार्टिसिपेट है करिए, कोई चार्जेस नहीं है, ये देखिए।
तो पार्टिसिपेशन आप लोग करोगे जितना, उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और विजिट करते रहिए, वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, क्योंकि कब मैं कौन सी चीज़ डाल दूंगी इस पे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो विजिट करना मस्ट है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए आप, टेक केयर।